हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आमतौर पर लोगों की ये शिकायत होती है कि प्रभु जी, मेरा मन भक्ति में नहीं लगता, मुझे रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत दौड़ भाग करनी पड़ती है और भक्ति में मन लगाने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, लेकिन मेरा मन इतना भटकता है कि मैं कुछ अच्छे ढंग से नहीं कर पाता। क्या मैं कोई पाप तो नहीं कर रहा हूँ? ये एक आम सवाल है। यहाँ तक कि अगर हम ध्यान दें तो श्रीमद् भगवद गीता में भी अर्जुन को ये सवाल भगवान से हुआ था। अर्जुन ने यह प्रश्न जब भगवान से किया तो कृष्ण भगवान ने उन्हें कहा, अध्याय 6 के श्लोक संख्या 35 में भगवान कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान ने ये कहा अर्जुन से कि हे महाबाहो कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना बहुत कठिन है। भगवान भी ये बात मानते हैं कि ये जो मन है बहुत चंचल है और इसको वश में करना, इसको कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल का काम है। किंतु भगवान कहते हैं, किंतु उपयुक्त अभ्यास के द्वारा और विरक्ति द्वारा ऐसा करना संभव है। जहाँ एक तरफ अर्जुन ने समस्या रखी है, वहीं भगवान ने उसका हल भी बता दिया है। वो कहते हैं कि हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि इस मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभ्यास और विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है, आप कर सकते हैं ऐसा। अभी अर्जुन ने जो ये प्रश्न किया है वही प्रश्न सभी भक्तों का होता है। तो मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है। अब हम ये समझते हैं कि ये अभ्यास है क्या। ये अभ्यास है, जैसे कि कलयुग में हम जानते हैं कि तीर्थों में जाना, परमात्मा का ध्यान करना, अपने मन और इंद्रियों पर कंट्रोल करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, एकांत में निवास करना, ये सब जो विधि विधान है ये पालन करना बहुत कठिन है। और अगर आप इनका पालन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका मन जो है वो भटकता ही रहेगा। किंतु एक बात है, और वो बात यह है कि कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का अगर आचरण करता है तो निश्चित तौर पर उसका मन धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगेगा। जैसा कि कहा गया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति की 9 विधियां यहां बताई गई हैं। भगवान श्री कृष्ण के नाम तथा उनकी महिमाओं को सुनना अर्थात श्रवणम, उनकी महिमाओं का कीर्तन करना अर्थात कीर्तनम, श्री भगवान का स्मरण करना अर्थात विष्णु स्मरणम, श्री भगवान की सेवा करना अर्थात पाद सेवनम, श्री भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करना अर्थात अर्चनम, और भगवान कृष्ण को नित्य नमस्कार करना अर्थात वंदनम, भगवान के दास के रूप में कार्य करना अर्थात दास्यम, भगवान कृष्ण के साथ मित्रता करना अर्थात साख्यम, भगवान कृष्ण के प्रति पूर्णतया आत्मसमर्पण करना अर्थात आत्मनिवेदनम। तो ये 9 प्रकार से अगर हम भक्ति करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा मन कंट्रोल में आएगा, हमारा मन हमारे बस में रहेगा, जैसा हम उसे चाहते हैं वैसे उसे समझा सकते हैं। तो भक्ति का जो प्रथम अंग है वो है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। मन को सभी प्रकार की जो चिंताएं उसे घेरे रहती हैं उनसे शुद्ध करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसको आप श्रवणम में लगाइए। भगवान की भक्ति के बारे में उसको लगाने के लिए आवश्यक है कि हम शास्त्रों का अध्ययन करें।
उस मन को ऐसे कार्य में लगाएं जिससे कि भगवान की भक्ति की ओर आगे बढ़े। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त हो जाता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली होती है। हम चाहते हैं कि अपने मन को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाएं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें भगवान से दूर करती हैं, तो उन चीज़ों को हमें अपनी जिंदगी से अपने जीवन से हटाना है। यही विरक्ति है। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है मनुष्य सुगमतापूर्वक वैराग्य की सीख ले सकता है। तो अब शायद आप समझ गए होंगे कि वैराग्य का क्या अर्थ है। वैराग्य का अर्थ है कोई भी मटेरियल या पदार्थ से विरक्त होना और मन को भक्ति में लगाना। ये व्यवहारिक है क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति भगवान की ओर ले जाती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा कुछ भोजन पर कंट्रोल करके हम किसी रोग का इलाज कर सकते हैं। इसीलिए हमें शास्त्रों का अध्ययन श्रवण करना है और भगवान की सेवा करनी है ताकि हमारा मन जो है वो नियंत्रित हो सके। और यही उपचार कृष्ण भावनामृत की विधि है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।